Hey developers, welcome back in another video of CSS on my YouTube channel Coding Farm. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी को, जिसमें हम अभी फिलहाल चार ही वैल्यूज को एक्सप्लेन करेंगे, उनकी एग्जांपल्स को देखेंगे और उनके बीच का जो डिफरेंस है उनको देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स या फिर ऐसे टैग्स हैं जो कि स्पैन करते हैं अपने आप को विड्थ के हिसाब से, जो आपकी ब्राउजर की विड्थ है, विंडो की विड्थ है, उसी के हिसाब से अपने को स्पैन करते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे अगर आपके पास आपकी जो विंडो है जिसमें आपका जो वेब पेज है वो लोड है और लाइव है, उसकी जो विड्थ है वो है 1000 पिक्सल और आपने कोई भी एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट यूज किया है, हम एग्जांपल लेते हैं H1 का, तो वो उतना ही स्पैन करेगा जितना आपकी विंडो या फिर आपका जो ब्राउजर है उसकी विड्थ है। और ये ऐसे एलिमेंट्स हर बार न्यू लाइन से स्टार्ट होते हैं। अगर आप 5-6 ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स को एक साथ लिखते हैं तो हर एक बार जो आपका एलिमेंट है वो एक न्यू लाइन से स्टार्ट होता है। इनलाइन के केस में आपका जो एलिमेंट है वो कभी भी न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं होता, वो अपने आप को एडजस्ट करता है किसी और इनलाइन एलिमेंट के साथ और वो उतने ही स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं जितना उनका कंटेंट है या फिर जितनी स्पेस उनको नीडेड है। ब्लॉक लेवल का एक अच्छा एग्जांपल हो सकता है H1 और इसमें मैं एक क्लास को ऐड करूंगा और क्लास का नाम दूंगा मैं ब्लॉक और यहां पे मैं 5 वर्ड्स का लोरम इप्सम वाला जो टेक्स्ट है उसको ऐड करूंगा और इसके बाद इस पे हम लगाते हैं थोड़े स्टाइल। इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं करूंगा ब्लू और इसको कलर को करते हैं हम व्हाइट। तो जैसे ही मैंने सेव किया आप देख सकते हैं जो हमारा H1 है अभी उसने प्रॉपर विड्थ को कवर किया है। अगर मैं अपनी स्क्रीन साइज को बड़ा करूं तो आप देखेंगे कि ये अपने आप को विड्थ के हिसाब से 100% स्पैन कर रहा है। अगर आपकी स्क्रीन साइज छोटी है तो इसका जो विड्थ है वो भी छोटा होगा और अगर आपकी स्क्रीन साइज है बड़ी तो ये अपने आप को उतना स्पैन करेगा। इसके बाद इनलाइन की एक अच्छी एग्जाम्पल हो सकती है हमारा स्पैन टैग और इसमें मैं एक क्लास को ऐड करूंगा इनलाइन और यहाँ पे मैं ऐड करूंगा लोरम और इसको भी हम कुछ स्टाइल देंगे इनलाइन एलिमेंट और यहाँ पे मैं करता हूँ रेड। तो जैसे ही मैंने सेव किया जो हमारा स्पैन टैग है उसने उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई किया है जितना उसको जरूरत थी, जितना उसका कंटेंट है। अगर आप इसमें थोड़ा और कंटेंट ऐड भी करते हैं लाइक मैं ऐड करूंगा तो ये अपने आप को उतना ही बड़ा करेगा जितना कंटेंट इसके अंदर है। जो इनलाइन एलिमेंट्स है वो कभी भी न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं होते। तो इसको देखने के लिए मैं अपने स्पैन टैग को कॉपी डाउन करूंगा, सेव करूंगा और जैसे ही मैंने सेव किया हम देख सकते हैं कि जो नेक्स्ट स्पैन टैग है हमारा वो अभी जो पहला स्पैन टैग है उसी के साथ एडजस्ट हो चुका है। लेकिन ब्लॉक लेवल के सिस्टम में ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे ही मैं अपने H1 को जो मेरा ब्लॉक लेवल एलिमेंट है उसको कॉपी डाउन करता हूं और सेव करता हूं तो जो मेरा नेक्स्ट H1 है वो एक न्यू लाइन से स्टार्ट होगा। ये मैटर नहीं करता कि आपका जो H1 है उसमें कितना कंटेंट है, बस ये आपकी जो स्क्रीन साइज है उसके 100% स्पैन करेगा। अब हम ये देखेंगे कि इनके बिहेवियर को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है उनमें मैं प्रॉपर्टी यूज करूंगा डिस्प्ले और इसके बाद जो बाय डिफॉल्ट इनकी ब्लॉक लेवल है तो यहाँ पे आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। इसके बाद मैं यूज करूंगा इनलाइन। तो जैसे ही मैंने डिस्प्ले इनलाइन दी अपने ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स को, यानी कि हमारा जो H1 है उनको मैंने जैसे ही डिस्प्ले इनलाइन किया तो अभी उनका जो बिहेवियर है वो इनलाइन में चेंज हो गया है। ये न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं होंगे और ये अपने आप को एडजस्ट भी करेंगे। लेकिन जो मेरे इनलाइन एलिमेंट्स हैं उनकी डिस्प्ले को मैं करता हूं ब्लॉक बिकॉज बाय डिफॉल्ट ये इनलाइन है। तो जैसे ही मैंने इनको ब्लॉक किया तो अब मेरा जो पैन टैग है वो एक न्यू लाइन से स्टार्ट होगा और ये जितनी भी विड्थ होगी उतना ये स्पैन करेंगे और अभी इनका जो बिहेवियर है वो हो गया है ब्लॉक लेवल। यहाँ पे आपको एक बात सबसे ज्यादा जरूरी याद रखनी ये है कि जब भी आप इनलाइन का यूज करते हैं तो आप इसमें मार्जिन टॉप और पैडिंग टॉप नहीं दे सकते। तो इसका एक एग्जाम्पल हम देखेंगे। इसके लिए मैं करता हूँ इन सभी को कमेंट और रखता हूँ एक H1। तो जो मेरा लोरम है अभी मैं इसमें ऐड करूंगा मार्जिन। सो मार्जिन मैंने ऐड की यहाँ पे 50 पिक्सल्स की। तो जैसे ही मैंने 50 पिक्सल की मार्जिन ऐड की ये जो मेरी मार्जिन है वो है टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। तो लेफ्ट से तो मुझे जो मार्जिन है वो दिख चुकी है और जो बॉटम है वहां पे भी मुझे मार्जिन देखने को मिलेगी, लेफ्ट में भी मिलेगी, लेकिन जो मेरी टॉप मार्जिन है अब वो मुझे शो नहीं होगी। ऐसे ही इस पैडिंग के केस में है, जैसे ही मैं
मैं इसमें ऐड करता हूँ पैडिंग 25 पिक्सल, तो जो मेरी पैडिंग है वो मुझे लेफ्ट राइट और बॉटम से देखने को मिलेगी, लेकिन जो ऊपर की पैडिंग है ये वहां पे वर्क नहीं करेगा। तो इस केस में हम यूज करते हैं अपनी इनलाइन ब्लॉक वैल्यू का। यहाँ पे जो हमारा एलिमेंट है वो इनलाइन तो होगा, लेकिन उस पे हर एक प्रकार की प्रॉपर्टी वर्क करे और प्रॉपर वर्क करे उसके लिए हम यूज करते हैं ब्लॉक लेवल। बिहेवियर तो हमारे इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट का इनलाइन की तरह होगा, लेकिन उस पे हर एक प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। तो जैसे ही मैं इसको इनलाइन ब्लॉक में चेंज करता हूँ तो आपको देखने को मिलेगा कि अभी जो मेरा लॉरेम है H1 है उसको पैडिंग भी टॉप मिली है और मार्जिन भी टॉप मिल चुकी है। तो ये था हमारा इनलाइन ब्लॉक। अभी हमारी फोर्थ वैल्यू है नन। तो बेसिकली ये करता क्या है, जैसे ही हम डिस्प्ले किसी भी एलिमेंट की नन करते हैं तो ये वहां से बिल्कुल हिडन हो जाता है और वहां पे इसकी बिल्कुल भी स्पेस ऑक्यूपाई नहीं रहती। तो इसको कवर करने के लिए हम एक बार करेंगे लॉरेम को कॉपी पेस्ट, और यहाँ पे जो मेरा लॉरेम 2 है इसको मैं एक और क्लास ऐड करता हूँ इसमें लाइक L1, और यहाँ से मैं मार्जिन और पैडिंग को करता हूँ डिलीट, और इसके बाद मैं सिलेक्ट करता हूँ अपनी क्लास L1 को जो कि मेरा सेकंड एलिमेंट है। तो यहाँ पे मैं इसकी जो डिस्प्ले है उसको करता हूँ नन। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे नन किया, जो मेरा सेकंड एलिमेंट था जिसको मैंने L1 एडिशनल क्लास दी थी, अभी वो यहाँ से गायब हो चुका है। तो ये थी हमारी डिस्प्ले नन प्रॉपर्टी और ये थी हमारी डिस्प्ले नन वैल्यू। आई होप कि आपको इनलाइन ब्लॉक और इनलाइन ब्लॉक का जो डिफरेंस है वो काफी अच्छे से समझ आ चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती भी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट।